कांग्रेस द्वारा चार्जशीट मुद्दे को लेकर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जमकर कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला बोला। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्वयं भ्रष्टाचार में सम्मिलित रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार एक दूसरे के प्ररूप शब्द हैं। उन्होंने कैग रिपोर्ट को लेकर भी कहा कि इस रिपोर्ट में जो मामले आए हैं वो 2017 से पहले के हैं। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चार्जशीट की बात तो कर रही है, कांग्रेस पार्टी स्वयं भ्रष्टाचार में सम्मिलित रही है। भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के पूरक शब्द रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि उन्हें देश की जनता ने पार्लियामेंट में अपोजिशन की पार्टी होने तक मानने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस पार्टी नेताविहीन और मुद्दाविहीन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने गरीबान में झांक कर देखे और उसके बाद भ्रष्टाचार की चार्जशीट पेश करे। शब्द हैं दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। ये संपूर्ण दुनिया जानती है कि इनके भ्रष्टाचार के कारण ही हिंदुस्तान की जनता ने इन्हें अपोजिशन पार्टी बनने का भी मौका नहीं दिया। पार्लियामेंट में ये उतने सांसद भी नहीं जुटा पाए हैं जितने अपोजिशन की रिकॉग्निशन के लिए जरूरी होगा। और सारे देश से इस इतनी पुरानी राजनीतिक संस्था की जो दुर्गति हुई है, आज इनके पास कोई अध्यक्ष नहीं है। अंतरिम अध्यक्ष जो है वो बार बार श्रीमती सोनिया गांधी को जो है वो भुना रहे हैं। और पूरे देश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में ये नेतृत्व विहीन हो गई है। इनके पास ना कोई नेता रहा है, ना कोई नीति रही है। नीयत तो इनकी वैसे ही खराब रहती है। तो इसलिए इस प्रकार के जो आप जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के जो है वो चार्जशीट बना रहे हैं, ये स्वतंत्र हैं जो भी लिखें, लेकिन अपने गिरेवान में झांक कर ही जो है वो कुछ भी इनको लिखना है, करना है, उस पर विचार करें। अभी तो इनके खिलाफ जो चार्जशीट थे वो भी अभी आरोप जो है वो इन्वेस्टिगेशन में है, अभी वो कोर्ट में भी जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक रिचुअल जो है वो पूरा कर रहे हैं कि हम भी कोई अपोजिशन का काम कर रहे हैं। वहीं सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कैग की रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैग की जो रिपोर्ट आई है वो 2017 के पहले के आंकड़े भी हैं उसमें, क्योंकि उस समय प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। कांग्रेस पार्टी के समय में किए गए कार्यों का भी ऑडिट हुआ है। उन्होंने कहा कि ये पुराने समय की चीजें हैं, उन्हें उन्हीं के अनुरूप देखा जाना चाहिए। की रिपोर्ट को जो है पूरी तरह से पढ़ना चाहिए। अधिकांश जो उसमें कैग ने जो रिपोर्ट की है वो रिपोर्ट आज दी है, लेकिन जो उसमें ऑडिट हुए हैं जिसके बारे में उनकी रिपोर्ट्स हैं वो अधिकतर 2017 से पहले के हैं जब कांग्रेस शासन में थी। तो कोई पैसा नहीं खर्च हुआ। शिक्षा विभाग के जो उसमें आए हैं, जो मैंने अभी तक जो है पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन जो रिपोर्ट हुई है उनके आधार पर जो हमने देखा है वो अधिकांश वो चीजें हैं जो कांग्रेस के शासन की हैं, उन्हीं का जो है वो ऑडिट हुआ है। क्योंकि ऑडिट होता है जब पूरा काम हो जाता है, जैसे 2017 में जो है वो काम हुआ तो उसका ऑडिट 18-19 में होता है, वो 20-21 में जो है रिपोर्ट आती है, उसकी लंबा समय लगता है। तो ये पुराने समय की चीजें हैं और इसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।